मोदी आज असम दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने असम के 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी और 6 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर पीएम के साथ दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा भी मौजूद थे। इस मौके पर बेहद भावुक स्पीच देते हुए रतन टाटा ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी साल स्वास्थ्य को समर्पित करता हूं। इससे पहले रतन टाटा ने हिंदी ना बोल पाने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं जो भी बोलूंगा वो मेरे दिल से निकला हुआ होगा। रतन टाटा आगे बोले, असम में कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन राज्य के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं अपने जीवन के अंतिम साल असम को एक पहचान दिलाने के लिए समर्पित करता हूं। ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मिस्टर मोदी का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आसाम को भूला नहीं, आगे बढ़ेगा और मैं सच हार्ट से ट्रीट करता है कि ये स्टेट आगे जाएगा और इंडिया का हाथ एंड इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से इस स्टेट आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड मिस्टर चीफ मिनिस्टर, थैंक यू वेरी मच। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।